हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे कि जब हम डेल्टा एचएमआई को किसी पीएलसी से कनेक्ट करते हैं और उसे एचएमआई के थ्रू हम पीएलसी में कोई न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करना है, तो हम एचएमआई के थ्रू कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके लिए हमें एचएमआई में क्या क्या सेटिंग करनी होती है, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। सबसे पहले हम न्यूमेरिक एंट्री करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ से न्यूमेरिक एंट्री लेना होता है। न्यूमेरिक एंट्री से हम जहाँ पे भी इंसर्ट करना हो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं इस तरह से। उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन होगा पेज, न्यूमेरिक एंट्री का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टाइल चेंज करते हैं कि हमें उसे कैसा रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना, तो इस तरह से। तो यहाँ पे स्टाइल उसका सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद होता है फॉन्ट सेलेक्शन, यहाँ पर हम उसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज है, कलर्स है, यहाँ पे उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं हम। उसके बाद फिर से मेन पे आते हैं, उसके बाद आता है रीड और राइट एड्रेस, यहाँ पे हमें एड्रेस डिफाइन करना होता है जहाँ पे भी हमें वैल्यू को इंसर्ट करना होता है। सबसे पहले यहाँ से हम लिंक सेलेक्ट करते हैं जिस लिंक से हमने पीएलसी और एचएमआई को कनेक्ट किया है। अभी एचएमआई कॉम 3 से कनेक्ट है और कंट्रोलर है पीएलसी है FX3U। तभी हमने PLC FX3U MSSC का PLC है और HMI का कॉम्पोर्ट है 3, तो हमने उसे लिंक 3 से सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे डाटा रजिस्टर लेंगे, D डाटा रजिस्टर है। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी डाटा रजिस्टर में वैल्यू इंसर्ट करना है वो हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। अभी हमने डाटा रजिस्टर 100 ले लिया है, उसके बाद हम इसे इंटर कर देंगे। ये इंटर हो गया तो ये राइट का हो गया, इसे हम कॉपी करेंगे और रीड के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो डाटा हम रजिस्टर राइट करेंगे और उसे हम रीड करेंगे, तो हमने दोनों का एड्रेस डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करते हैं कि डाटा टाइप क्या है। यहाँ पे हम वर्ड लेते हैं, उसके बाद मेमोरी फॉर्मेट अनअसाइन इंटीजर डेसिमल है। उसके बाद हम यहाँ पर उसका साइज लेते हैं कि हमें कितनी वैल्यू इंसर्ट करनी है, 0 से हम यहाँ पर 4 डिजिट इंसर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 डिजिट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर हमें इसे वैल्यू कम करनी है, अगर हमें 2000 वैल्यू तक ही इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम 2000 डाल देंगे, उसके बाद हम इसे ओके कर देते हैं। तो इस तरह से हमें शो होगा। अभी हमने यहाँ पे लिया है डाटा रजिस्टर लिंक 3, डाटा रजिस्टर लिया है D218, रीड और राइट किया है और हमने इस तरह यहाँ पर वर्ड लिया है डाटा टाइप में और साइन डेसीमल हमने लेंथ ली है 0 से 3000, इसमें हम 4 डिजिट जिसमें एक डेसिमल होगा, टोटल 4 डिजिट है और एक डेसिमल पॉइंट हम ले सकते हैं। इस तरह से हमने सेलेक्ट किया है। इस तरह से हमने 4 एड्रेस लिए हुए हैं, चारों का एड्रेस देख लेते हैं। ये 18, ये 22, 12, 212 यहाँ पे शो होगा एड्रेस। इस तरह से ये 16 और ये है 14। इस तरह से हमने 4 डाटा रजिस्टर लिया है। सबसे पहले हम इसे ऑफलाइन भी टेस्ट कर सकते हैं ऑफलाइन सिमुलेशन से। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है कि हम यहाँ पे वैल्यू 0 से 3000 तक इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम 3000 से ऊपर वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं, यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। तो मैक्सिमम हम 3000 तक की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से इंसर्ट हो गया, ये ऑफलाइन सिमुलेशन है। अब हम इसे ऑनलाइन देखते हैं। अभी हमारा HMI ऑनलाइन है, हम यहाँ पे इस तरह से हमने चारों वैल्यू हमने HMI के थ्रू PLC में इंसर्ट की है। ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो रहा है और डाटा रजिस्टर में डाटा इंटर हो रहा है। इस तरह से हम HMI के थ्रू PLC में डाटा इंसर्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।